हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एक किम सोडो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लग्जरी सिंगल पिलर गैरेज आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने लग्जरी गाड़ियाँ रखी हुई है, तो आप ये लग्जरी गाड़ियाँ इस गैरेज में कैसे सेव कर सकते हो तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और उसके बाद दोस्तों चैनल को कभी कर दीजिए सब्सक्राइब। अब चलिए चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो दोस्तों सिंगल प्लेयर गैरेज मोड डालने के लिए ना हमें ये चार फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी मैंने लिंक के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, scriptbook.net में जाना है। यहाँ पे सारी फाइल्स को यहाँ से कीजिए कॉपी और GTA डायरेक्ट्री में यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। तो इस तरह पेस्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों scriptbook 5 में जाएंगे, यहाँ पे बिन फोल्डर में, यहाँ पे फर्स्ट वाली फाइल को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ऑलरेडी ये तो रिप्लेस कर दी मैंने। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर फाइल को यहाँ पे करना है कॉपी और यहाँ से पेस्ट। इसका दोस्तों अपना स्क्रिप्ट हुक इंस्टॉल हो गया। उसके बाद दोस्तों ये नेटिव UI.dll करना है, यहाँ से कॉपी और अपना स्क्रिप्ट फोल्डर्स में दोस्तों इसको पेस्ट करना है। अगर आपके पास ये फोल्डर नहीं है तो आप इसे मैन्युअली क्रिएट कीजिए, वो भी स्मॉल लेटर्स में। तो दोस्तों उसके अंदर जाके आप यहाँ पे इसको कर दीजिए पेस्ट। तो दोस्तों ये पेस्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे सिंगल प्लेयर गैरेज जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया है, तो इसके अंदर जाके स्क्रिप्ट फोल्डर है, उसके अंदर जाके दोस्तों ये एक सिंगल प्लेयर गैरेज फोल्डर और एक फाइल दोनों को सेलेक्ट करके दोस्तों कॉपी करके यहाँ पे कर दीजिए स्क्रिप्ट में पेस्ट। तो दोस्तों इस तरह अपना सिंगल प्लेयर गैरेज मोड इंस्टॉल हो गया। अब चलो चेक करते हैं ये कैसे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना GTA 5 गेम स्टार्ट हो गया है। अभी दोस्तों वो सिंगल प्लेयर गैरेज हमें कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे मैप। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं फ्लिप, ये दोस्तों आपका सिंगल गैरेज मोड है। यहाँ पे आप अपनी जितनी चाहे अनरेड गाड़ियाँ इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पहले इस लोकेशन पे जाना है। दोस्तों इस लोकेशन के बांधने के बाद ये देखिए बिल्डिंग का नाम है ये इक्लिप्स टावर्स। तो दोस्तों ये वही बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में हमारा गैरेज है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और क्या कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों जैसे आप बिल्डिंग के नज़दीक जाएंगे तो एक ब्लिप आया परचेस ई, प्रेस ई टू परचेस अ गैरेज। तो ई प्रेस करेंगे दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर हमें ऑलरेडी दिया गया है तो बाकी के फ्लोर्स भी आप चाहो तो परचेस कर सकते हो अगर आपके पास इतना सारा पैसा है। तो जैसे $5,00,000 मतलब बहुत ही महंगा है, तो अगर आपको है एक्स्ट्रा पैसे तो आप ये परचेस कर सकते हो और अपनी गाड़ियाँ स्टोर कर सकते हो। एक फ्लोर पर दोस्तों आप 10 गाड़ियाँ स्टोर कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर हमारे नाम पर है तो हम लोग पहले चलते अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऑडी गाड़ी है, तो मैं इस ऑडी गाड़ी को यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी भाई लॉस सेंटोस में बहुत सारी गाड़ियों की चोरी होती रहती है। तो चलो उसको मैं सेव करता हूँ। ये गैरेज के नज़दीक आप जाके इसे प्रेस कीजिए ई। ई प्रेस करने के बाद दोस्तों आप फर्स्ट फ्लोर आपको दिया गया, तो आप फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीधा स्पॉन हो गए यहाँ पे सिंगल प्लेयर गैरेज में जो फर्स्ट फ्लोर में हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ सेव कर सकते हो। इस एक गैरेज में आप 10 गाड़ियाँ सेव कर सकते हो। इस तरह 8 फ्लोर है तो आप 8 फ्लोर परचेस कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इस गैरेज से बाहर निकलना है तो ये येलो कलर का ब्लिप पे आप यहाँ से लीव कर सकते हो। और दोस्तों एक यहाँ पे रेड कलर का भी ब्लिप है, मैं इसमें बता देता हूँ आपको क्या होता है। इसमें जैसे आप जाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे व्हीकल्स या तो कुछ रखनी है या कुछ व्हीकल में चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये कोई व्हीकल नहीं रखनी तो आप इसे रिमूव कर सकते हो, ये उसके लिए ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे गाड़ी के साथ अगर बाहर निकलना है इस गैरेज से तो कैसा होगा, गाड़ी में दोस्तों एंटर कीजिए और थोड़ा गाड़ी को स्पीड दीजिए और इस तरह आप गाड़ी के गैरेज से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह दोस्तों और भी GTA 5 मोड्स की वीडियोस आती रहेगी इस चैनल में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।